जो स्टूडेंट है उनको मैं। 2D का उस दिन हमने सारा कर लिया था। अब हम आते हैं फीचर्स पे, मतलब जो 3D की कमांड्स होती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक्सट्रूड। एक्सट्रूड आपको पता है क्या होता है, मतलब कि किसी भी 2D स्केच को हमें जब 3D में कन्वर्ट करते हैं, एक 2D स्केच को एक हाइट देनी, थर्ड डायमेंशन देना, थर्ड डायमेंशन देते हैं, वो एक्सट्रूड होता है। रिवॉल्व भाई एक एक्सिस से अक्रॉस रिवॉल्व में क्या होता है, जैसे पैरेलल बनानी हो तो बॉर्डर बनानी हो तो एक एक्सिस के अक्रॉस रिवॉल्व कर दिया ना उसका। हमने एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनाई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन की कैसे सेंटर लाइन। लाइन दो तरह की होती है, एक लाइन होती है, एक सेंटर लाइन होती है, ठीक है। अब हमें रिवॉल्व कमांड देखनी है। हम एक कोई स्केच बनाते हैं, स्प्लाइन होती है, कर्व्ड लाइन ये कौन सी है, ऐसे होती है, ये होती है स्प्लाइन। मान लो ये शेप बना ली हमने, ठीक है। एग्जैक्ट स्केच करते हैं, रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब है, अच्छा हमें 3D चाहिए ना, तो ये ऊपर है, इसको नॉर्मल लाइन ही बना लिया। ये देखो, ठीक है, ये जो हमने स्केच बनाया था ये वाला, ये एक सेंटर लाइन के अबाउट जो सेंटर में थे उसकी बॉडी पूरा रिवॉल्व हो गया, तो 3D में हमें कुछ ऐसा दिखता है। आगे समझ में, ये होता है रिवॉल्व। रिवॉल्व का मतलब है कोई भी एक ऐसी शेप जो किसी एक लाइन के अबाउट 360 डिग्री एंगल पे सिमेट्रिक हो, ठीक है। उसके बाद आता है स्वेप्ट बॉस बेस, मतलब स्वीप करना हमें किसी चीज को, पाई बैक को बनाना, एक पार्ट ले लिया जैसे फ्रंट प्लेन पे करते हैं स्केच। एक हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, जैसे टॉप प्लेन पे हमने स्केच किया नॉर्मल, अब ये हमारे पास सर्कल का यहाँ पे सेंटर है, अब यहाँ से फिक्स लाइन बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एक शेप बना ली, एग्जिट स्केच, स्वेप्ट बेस बेस। सबसे पहले देखो, ये सर्कल दिख रहा है, मतलब कि सर्कल की जगह कोई भी शेप हो सकती है, जरूरी नहीं है कि सर्कल ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं है। ये हमने सेलेक्ट किया, अब पाथ चाहिए हमें, हमने पाथ ले लिया, ये इस पाथ के लोग, ये स्वीप हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कैसे गया, स्वीप का मतलब क्या होता है। फिर आता है लॉफ्ट, लॉफ्ट बॉस बेस। छोटे से बड़ा लॉफ्ट का मतलब एक्सट्रूड में हम जो करते हैं ना वो बराबर होता है, एक्सट्रूड में बराबर बॉटम फेस और टॉप फेस दोनों में बराबर एक जैसे होते हैं। लॉफ्ट में क्या होता है, अगर हमारा बेस किसी और शेप में है और टॉप किसी और शेप में है, मतलब बेस हमें चाहिए रेक्टेंगुलर, टॉप हमें चाहिए सर्कुलर, उन दोनों को मिलाने के लिए, जैसे कि करके या फिर एक छोटा रेक्टेंगुलर एक बड़ा रेक्टेंगुलर उसमें भी लॉफ्ट चल जाएगा ना। हाँ, मतलब दो अलग अलग तरह की शेप है, जैसे हाँ आप आपके वाला कर लेते हैं, मान लो जैसे यहाँ पे एक बड़ा सर्कल है, ठीक है। अब इसके हमें ऊपर एक छोटा सर्कल बनाना है, ठीक है।
प्लेन ले लेते हैं हमें जितनी भी हाइट करनी चाहिए। ये आ गया मेरे पास, अब रेफरेंस देना है, फ्रंट प्लेन ले लेते हैं। इसके हम ऑफसेट कर लेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें मान लीजिए दूसरा स्केच बनाना है अपना, ठीक है। तो इस प्लेन पे हम स्केच करेंगे नॉर्मल व्यू को। अब यहाँ पे एक छोटा सर्कल बना लेते हैं इसी सेम सेंटर पे। छोटा सर्कल बना लिया, एग्जिट स्केच, प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। एक ये प्रोफाइल हो गई, ये देख रहे हो शेप आ गई ना, ये होता है लॉफ्ट। और ना हम यहाँ पे गाइड कर्व्स भी बनाते हैं। क्या गाइड कर्व्स? मतलब जो हमें गाइड करेंगे कि हमारी शेप किस डायरेक्शन में जा रही है। अब ये तो एक के ऊपर एक थे, अब मान लो शेप है हमारी कुछ ऐसे जिगजैग शेप में, मतलब ऐसे। हाँ, तो जैसे हमने स्वीप करते टाइम पाथ बनाया था ना, ऐसे ही सभी हम पाथ बना देते हैं ताकि जब हमारा लॉफ्ट होगा सरफेस तो उस पाथ के अलोंग जाए। कट आपको पता है क्या होता है? होल विजार्ड, होल्स करने का काम होता है रिवॉल्व कट। हमने जैसे रिवॉल्व किया था ना, रिवॉल्व करते हैं तो हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रिवॉल्व कट मतलब कि किसी बॉडी में 360 डिग्री के पर कोई कट लगा दें। जैसे जैसे पिस्टनिंग अगर बनानी तो एक मिनट दिखाता हूँ, कट होता है पिस्टनिंग। एक मिनट अभी दिखाते हैं। जैसे सर्कल बनाया, ये हमारे पास एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। फ्रंट प्लेन लिया, एक बनाया हमने यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए एक्सिस, किस एक्सिस के अबाउट ये रिवॉल्व करेगा। उसके लिए हमें एक एक्सिस भी बनानी पड़ेगी। हम दोबारा एक हमने एक्सिस बना ली, रिवॉल्व कट ये वाली को हमने सेलेक्ट करी, एक्सिस इसने अपने आप ले ली। देख रहे हो रिवॉल्व कट, लॉफ्टेड कट, लॉफ्ट की शेप में हमें कट लगाना है, मतलब वेरिएबल शेप का। ये थी हमारी बेसिक 3D कमांड, ठीक है। अब ये जो कमांड है ना हमारी, जो इस वाले सेक्शन में आती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो इस वाले बॉक्स में हमारी कमांड्स आती हैं, फिलेट। इसके लिए हम पहले कुछ बना लेते हैं। देखो फिलेट, फिलेट का मतलब होता है बेसिकली एजेस को स्मूथ करना। ये एज सेलेक्ट करी, रेडियस हम बढ़ा देंगे थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये होता है हमारा फिलेट, एज स्मूथ हो गई। चैम्फर ये होती है, कर्व्ड होता है। इसमें चैम्फर में क्या होता है, कर्व नहीं आता, कट कट हो चुका है। हाँ, ये होता है हमारा चैम्फर, ऐसे लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न, मिरर, ये सब सेम वैसे यूज होते हैं जैसे 2D में थे ना, एरे जैसे होता है। हाँ, या फिर इसमें जो हम, इसमें जो हम 2D में ये वाले जो पैटर्न यूज करते हैं सेम वही है। 2D में हम स्केच को सेलेक्ट करते हैं,
इसमें 3D एंटिटीज को सेलेक्ट, बॉडीज को सेलेक्ट करते हैं। रिब, अगर हमारे पास कोई एल शेप की फिगर है, एल शेप में कोई फिगर, एल शेप के बीच में जैसे हमें ये ट्रायंगुलर शेप लगानी है, जैसे इसमें दिख रही है हमें ग्रीन वाला पार्ट, ड्राफ्ट हम जैसे ऑटोकैड में एल इक्वल टू बीच में ट्रायंगल लगा रहे हैं तो मूव करके सेलेक्ट कर रहे हैं। ड्राफ्ट ये रिब का है। ड्राफ्ट भी क्या है, जैसे हम जब लॉफ्ट कर रहे थे, लॉफ्ट करते टाइम अगर हमारा बेस और टॉप सेम शेप का है, साइज अलग अलग है पर शेप सेम है, दोनों रेक्टेंगल है एक जैसे या दोनों सर्कल है, तो हम ड्राफ्ट से कर सकते हैं। ड्राफ्ट क्या होता है, एक्सट्रूड करते टाइम एक एंगल पे एक्सट्रूड होता है, ठीक है। शेल मतलब अगर मैं इसको शेल करना चाहूँ, शेल की कमांड दी, अब ये एक फेस मांगता है, मान ली ये फेस हटाना है, एक फेस कोई भी मेरे को रिमूव करना है, ये फेस रिमूव करना है, फेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, देखो ये शेल हो गया, ठीक है। अरे शेल में जो थिकनेस भी देगा ना, हाँ थिकनेस 10 mm दी थी हमने, 10 mm बाय डिफॉल्ट थी वो। सुन रैप मतलब कोई भी चीज हमें किसी सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर रैप करनी है, ठीक है। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन का मतलब हमने दो दो बॉडीज बनाई, ठीक है, उन दो बॉडीज अगर वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करनी है, इंटरसेक्ट का मतलब है जो उन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो निकल के आ जाएगा, इंटरसेक्शन उन दोनों का। जैसे अब जैसे ठीक है, अब मेरे को इन दोनों बॉडीज का इंटरसेक्शन वाला पार्ट चाहिए जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्ट पे क्लिक किया, आ जाओ, अब इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए हमें, और उसके लिए ना एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे जब हम इसको सर्कल को एक्सट्रूड करेंगे, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मर्ज रिजल्ट, ये टिक को रखता है। मर्ज रिजल्ट का मतलब है जब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे तो इसके साथ ही कंबाइन हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। अगर ये हाँ अगर मर्ज हो जाएगा तो दोनों एक ही कंपोनेंट बन जाएंगे, इंटरसेक्शन तो मिल नहीं पाएगा, तो हमें मर्ज रिजल्ट हटाना पड़ेगा। अभी दोनों अलग अलग है, अब इंटरसेक्शन निकालेंगे इसका, एक ये बॉडी हुई, एक ये बॉडी हुई, इंटरसेक्ट देख रहे हो, इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है ये डार्क आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अगर वैसे कोई परफेक्ट नहीं है क्या इसको अगर बढ़ाना है? मतलब इसमें ये दिखता है हमें कि इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट है, देखो जो डार्क वाला पोर्शन है ग्रीन ग्रीन, ये इंटरसेक्शन है इन दोनों का, ये मतलब कट जाएगा। हाँ ये कट जाएगा, कट जाएगा। इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे ना हमें दिख जाएगा कि इंटरसेक्शन में क्या क्या है हमारे पास, मतलब भाई हुआ जैसे दो सबट्रैक्ट हुए, दो सॉलिड सबट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ वही हो गया ना। हाँ। इंटरसेक्ट और मिरर तो आपको पता ही है, जैसे 2D में होता है सेम 3D में मिरर होता है, बस रेफरेंस लेना पड़ेगा। हाँ रेफरेंस ज्योमेट्री में हमारे पास आते हैं, रेफरेंस में एक्सिस लेंगे कि प्लेन लेंगे? प्लेन ले सकते हैं। हाँ। किसी प्लेन के अबाउट कर लो उनको मिरर, ठीक है, या फिर एक्सिस के अबाउट कर लो। हाँ।
अभी जो रेफरेंस जेमेट्रीनेस में तो फिर जो प्लेन आता है काफी इंपॉर्टेंट है, प्लेन ट्रांसफर ये आपको बताया था, जैसे अभी प्लेन ट्रांसफर किया था मैंने प्रोजेक्ट पहले, ठीक है ये कर्व्स है, इसमें हमारे पास एक रेफरेंस ज्योमेट्री में एक प्लेन है, एक लाइन है, एक कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट में क्या फायदा है मतलब कि हमें कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ट्रांसफर करना है, हमारा मान लो ओरिजिन हमारे पास यहाँ पे है, इस पोर्शन पे हमारा ओरिजिन है, अब हमें ओरिजिन यहाँ पे चाहिए, ओरिजिन को हम ट्रांसफर कर लेंगे, या फिर एक्सिस चाहिए दो प्लेन्स के क्रॉस सेक्शन में एक्सिस चाहिए उसके लिए, ये रेफरेंस के काम आती है हमारे।